हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शफाली एंड आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं एक रिकमेंड बेस्ड एप्लीकेशन। सो वन ऑफ माय सब्सक्राइबर मिस्टर अमन हैज़ रिकमेंड मी अ एप्लीकेशन फॉर वीडियो कंप्रेसिंग। लाइक क्या होता है ना कि जब हम कई बार वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, लाइक 20 to 25 मिनट्स की हो जाती है, या फिर हम कैमरा से शूट कर रहे हैं तो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है YouTube पे अपलोड करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, जैसे आपके मन में अभी ये ख्याल आ रहा है कि यार वीडियो कंप्रेसर, इसका मतलब कि हमारी वीडियो में कुछ गड़बड़ होने वाली है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ होने वाली है, और क्या पता वो ब्लर भी हो सकती है, क्या पता हमारी ऑडियो भी ख़राब हो सकती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यार। सो ये सारे ख्याल ना मेरे मन में थे, तो इसलिए मैंने ना कभी वीडियो कंप्रेसर के बारे में सोचा नहीं था कि मैं जिस क्वालिटी में वीडियो बना रही हूँ, जो ऑडियो की क्वालिटी है, मैं उसको सेम ही रखना चाहती थी। सो मैंने एक ट्राई करा है कि मैं यह ट्राई ज़रूर करती हूँ एक बार ही। तो मैंने एक एप्लीकेशन ढूँढी है जो कि मुझे काफ़ी सही लगी है, एंड आप इसको अगर यूज़ करते हैं ना तो आपकी वीडियो जो है अच्छे से कंप्रेस हो जाएगी। इतना ज़्यादा आपको फ्री है ये, एक तो आपको पे भी नहीं करना पड़ रहा है कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पे करोगे तभी आपको कंप्रेशन मिलेगी, यहाँ पर आप यहाँ पे फ्री में कर सकते हो। सो आपको प्ले स्टोर में जाना है एंड यहाँ आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी, ये आपको ट्राई करने हैं। इसको बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है एंड 10 million प्लस लोगों ने इसको यूज़ कर चुके हैं, एंड 4.6 की इसकी रेटिंग है। तो मैंने सोचा कि यार काफ़ी सही एप्लीकेशन है, मुझे इसको ज़रूर यूज़ करके देखना चाहिए। सो मैंने इसको डाउनलोड किया, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वीडियो को चूज़ करना है जिस भी वीडियो को आपको कंप्रेस करना है। सो आपको यहाँ पे ना आपके वीडियो के साथ साथ उसका जो साइज़ है, लाइक 400, 300, 1 GB, 2 GB, व्हाटएवर द साइज इज़, वो भी आपको यहाँ पे विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप अपने वीडियो चूज़ कर सकते हो जो भी आपको कंप्रेस करनी है। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो चूज़ कर रही हूँ जो कि आई थिंक 12 मिनट्स की है या, बट मैं आपको थोड़ा सा क्लिप इसका आगे दिखाने वाली हूँ, ओरिजिनल वर्सेस कंप्रेस्ड वीडियो का। तब मुझे डिफरेंस स्पॉट करके बता सकते हो कि इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्पॉट द डिफरेंस। मैंने बहुत कोशिश करी बट मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, बट आप ज़रूर एक बार ही देखिए। एंड यहाँ पे वीडियो चूज़ करने के बाद आपको जस्ट इस पे कॉम्प्रेस वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपकी वीडियो के आगे ये थोड़ी डेंसिटी आएगी, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसको सिर्फ 80% तक ही रखती हूँ, आप चाहे 90 रख सकते हो, 70, 60, 50। मैं रिकमेंड करूँगा कि 50 से कम बिल्कुल भी मत करना, लास्ट इज़ द 50, बिकॉज़ आप जितना कम करोगे ना, ऑब्वियसली जितना इसका साइज़ कम होगा ना, उतनी ही ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ पिक्सल्स थोड़े से कम होते जाएंगे। एक्चुअली इमेज जो होती है और जो वीडियो जो होती है, इट्स कंटेन ऑफ ऑल पिक्सल्स, राइट? तो थोड़े थोड़े पिक्सल्स जो है वो कम होते जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपकी वीडियो की क्वालिटी में कोई गड़बड़ है, तो 50 से कम मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं 80% यूज़ कर रही हूँ दोनों ऑप्शंस की डेंसिटी। तो उसके बाद मैं वेट करूँगी ताकि कंप्रेस हो जाए, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि कंप्रेस होने के बाद ये जो वीडियो है वो किस तरह से दिख रही है और ओरिजिनल वन कैसी है। सो लेट्स आई होप आपने वो दोनों क्लिप्स देखे हों और आप उनमें कोई भी डिफरेंस स्पॉट कर पाए हों, बिकॉज मैंने वो क्लिप्स बहुत बारी देखे, मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा ओरिजिनल क्लिप है एंड कौन सा कॉम्प्रेस्ड क्लिप है। मैं बार बार देख रही थी, मैं सोच रही थी यार कुछ ना कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं से ब्लर होगी, कहीं ना कहीं से वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मे बी मैंने सिर्फ 20% ही रिड्यूस करा था इसकी डेंसिटी, आप अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। आई डोंट नो, आपको अगर कोई भी डिफरेंस नज़र आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आपको ऐसा लगता है कि मैं ही आपको सब कुछ सिखा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली जो मेरे चैनल का कोट है वो है लर्न एंड शेयर।
जब आपको पता है और आप सीखते हो और जब आप उसको शेयर करते हो, उससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको वो चीज़ें याद तो रहती है, साथ ही आपको ये ना एक सुकून होता है कि हाँ आपने वो शेयर करा है। तो जब मुझे कोई शेयर करता है ना कोई भी चीज़, लाइक आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हो कि शेफाली आपको ये नहीं ये करना चाहिए, एंड मुझे तो चीज़ें ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अगर मुझे कोई कुछ भी कहता है ना कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए, तो मैं उसको उसी वक्त ट्राई करती हूँ और मैं देखती हूँ कि यार इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, या फिर ये चीज़ मेरे ऊपर काम करेगी या नहीं, या मेरी वीडियोज़ के लिए काम करेगी या नहीं, कि आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। बेसिकली मैं आपसे भी सीख रही हूँ, तो यहाँ पे दोनों साइड की कन्वर्सेशन हो रही है। आप मुझसे सीख रहे हो थोड़ा सा, मैं आपसे सीख रही हूँ थोड़ा सा, बस ऐसे ही हमें एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए। सो मैं आज बहुत ज़्यादा मैसी लग रही हूँ, बिकॉज़ ये ड्रेस बहुत ज़्यादा मैसी है, इसको जितना मर्ज़ी सही कर लो वो सही नहीं होती है। सो गाइज इन सब को छोड़ो, एंड मैं ये कमेंट्स दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियोस पे कमेंट करने के लिए, एंड आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। आप लोगों के रिकमेंडेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप लोग मुझे चीज़ें रिकमेंड करते हो, बिकॉज़ मुझे सब कुछ नहीं पता है, थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ा सा मुझे पता है, और थोड़ा थोड़ा मिला के ही सब कुछ होता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके कमेंट इसी तरह से डिस्प्ले करें, तो मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का आप मिस ना करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे मेल या फिर इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो।